कॉम्बिनेशन चला तो प्रतिद्वंद्वी की खैर लाड़ू से ही आता है वो शब्द जिसे हम कब करने का स्वागत है नवनीत। हैशटैग आगे का रास्ता, अक्षय देसाई जो कि एम्पायर 2 है उन्होंने विसल बजा दी है और शुरुआत कर दी है। ये बिगुल बज चुका है आज के इस मुकाबले का, आज के दिन का ये दूसरा। याद रखिए फैन कोड के माध्यम से हम एक दिन में आपको चार बेहतरीन मुकाबले दिखाते हैं। एजी का सामना केआर स्पोर्ट्स के द्वारा होने वाला है और इन दोनों टीम में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखनी चाहिए। जर्सी नंबर 6 ने बाहर किया है, गलती जाहिर सी बात नवनीत या कॉर्नर के खिलाड़ी की थी के माध्यम से पता चलेगा क्योंकि कुछ साउंड जरूर था जो हमने मिस किया। एजी को ये पॉइंट दिया गया है नवनीत। यहाँ ये एजी को पॉइंट दिया गया, यानी कि जो खाता है वो तीन पर चल गया और एजी और जी रेडा से यहाँ पे मन मौजी खेल देखने को मिला है। थ्री एंड फाइव आउट पर अच्छा खासा दबाव बनाते हुए एजी एजेड जिस तरीके से भी कहना चाहेंगे 6-2 का स्कोर। सुपर टैकल ऑन है लेकिन यहाँ पर लास्ट में गिफ्ट दिया गया। पॉइंट्स अलतंग राय क्लब ऑल आउट केयर स्पोर्ट्स अलतन ने ऑल आउट। सूर्य प्रकाश अंदर आए हैं, उनकी जगह रजनीत कुमार को बाहर बुला लिया गया। यह सब्स्टिट्यूशन लगातार देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर मैदान से ही सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा और बैठना पड़ेगा थोड़ा देर 19 नंबर की जर्सी पहने गंगानाथ को। पिछली बार भी देखा है सबसे ज्यादा यदि स्पीडी कोई रेडर है केआर स्पोर्ट्स क्लब के लिए तो वो गंगानाथ है। मुझे वो फिर चार के घर में खाली हाथ वापस आए हैं। 15-9 फिर से एक बार यहाँ पर क्या ओपोनेंट्स को असहाय कर सकते हैं ये देखना है। आउट कुछ एक दो ही खिलाड़ी है जिनको हम लगातार बाहर जाते हुए देख रहे हैं और यहाँ अलथन कराई क्लब के लिए नंबर 1 यानी कि सहाया बेरगिन को उसके बाद इनके खिलाड़ी ने सपोर्ट करने की कोशिश की तो पूरी तरीके से मुश्किलों में फंसे। ये लीजिए सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। डू और डाई की परिस्थिति, यदि यहाँ जगन पकड़े जाते हैं तो टीम का भी ऑल आउट हो जाएगा और केआर स्पोर्ट्स की वापसी इस मुकाबले में हो जाएगी ये तय है। तो क्या अपनी टीम को इस मुश्किल परिस्थिति में एक रिवाइवल दिला सकते हैं? बोनस आपको पॉइंट जरूर देगा लेकिन ऑल आउट से बचा नहीं पाएगा। सेंटर के खिलाड़ी को टच करने की कोशिश, अब तक किसी प्रकार का संपर्क नहीं। आखिरी के 4 सेकंड बचे, बहुत पास आए मिडलाइन के, मल्टी पॉइंटर रेड लाइन मिडलाइन पे। रेडा से बोनस प्लस 3 पॉइंट्स अलतंग राय क्लब जैसे नंबर 16 वेलमल सुपर रेड 19 आउट। तीन खिलाड़ी एक बोनस, टीम ऑल आउट की कगार पे खड़ी थी तो यहाँ ऐसी पटकनी दी कि अपने भाग्य से लड़ते हुए अपनी टीम को रिवाइवल लाए, वो भी एक नहीं पूरे 3। इज माय ट्रिप कमाल मोमेंट, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। सिद्दीकी का शायद एक डायलॉग है कि मैं मौत को ठक से छूके निकल सकता हूँ, कुछ वैसा ही किया था एजेड कबड्डी क्लब के लिए उस रेडर ने। जी हाँ बिल्कुल वैसा ही कुछ सीन था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी काफी जाने माने, काफी पॉपुलर और यहाँ पर देखिए पकड़े गए हैं सूर्य प्रकाश। हेडर आउट लेकिन 1 पॉइंट आपने नवाज की बात की नंबर 33 प्लीज कम बेहद पसंद है जिस तरीके की आप कविताएं करते हैं। कोर्ट द्वारा या तो आप जीतेंगे या तो हारेंगे या मैच बराबरी पर भी छूट सकता है लेकिन यहाँ क्या होगा। डू अ डाई रेड 18 मिनट का खेल अभी भी बचा है। इस दिनेश यहाँ पर रेड लगाने के लिए आया है 7 नंबर की जर्सी में और आपको अंदर घुसना पड़ेगा क्योंकि ये जो डिफेंस है अंदर तक आपका इंतजार कर रहा है दिनेश। सब्स्टिट्यूटेड खिलाड़ी सुपर टैकल की सिचुएशन में इनको टैकल आउट कर दिया गया। सीधा सा मतलब ये है कि अब मुश्किलात का सबब धीरे थी वो थोड़े बेहतर है। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ है लेकिन यहाँ सुपर टैकल ऑन है नवनीत। यहाँ पे सुपर टैकल ऑन है लेकिन क्या ये सुपर रेड हो गया? जैसे नंबर 14 एंड 16 लगभग सुपर रेड कुछ अलग ही कर रहा है। डू और डाई की गूंज, लुत्फ उठाइए, एंजॉय कीजिए नवनीत। जी हाँ डू और डाई रेड, इस बार क्या सूर्य प्रकाश सफलता पाएंगे या नहीं ये आने वाला 19 सेकंड बताएगा। और देखिए वहां पे गिली उस बोर्ड के साथ तैयार है, 7 खिलाड़ी मौजूद है, बोनस लाइन एक्टिवेट है। क्या सूर्य प्रकाश बोनस का प्रयास करेंगे ये देखना है और वक्त गुजर जाएगा। एक पॉइंट, बिल्कुल एक पॉइंट मिलेगा जैसे नंबर 9 आउट।
क्या स्पोर्ट्स को बड़े लंबे समय के बाद पॉइंट मिलने में कामयाबी हासिल हुई है। मनोज को बैक किक करके एक अलतन कराई क्लब को नहीं मिला। वो पिछला बोनस जो था वो करार नहीं दिया गया, क्योंकि बोनस के नियम बड़े सिंपल है। पहले तो कम से कम 6 या 7 खिलाड़ी मैट पे हो, उसके बाद बोनस लाइन को आप पार करें तो आपका फ्रंट फुट हवा में होना चाहिए और आपका पीछे वाला पांव जमीन को टच करे, तभी सीधे सीधे बोनस आपको दिया जाता है, वरना बोनस नहीं मिलता। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कब बोनस लाइन को पार किया, आपका पांव कहां है। या एस्केप रूट बेहतरीन ढूंढा, एक ऐसा हाईवे जो शायद था, सामाजिक सार्वजनिक कर दिया, और ये कमाल की वेलेमल सुपर रेड। जी अब वेलेमल सुपर रेड वहां देखने को मिला है, लेकिन इस बार फिर से गौरी शंकर गए हैं रेड लगाने के लिए, और महज 3 मिनट का खेल शेष। मूवमेंट फिट मूवमेंट तो बहुत हो रही है, फुटवर्क लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन जब वहां पर एजेड क्लब का डिफेंस आया, 1+3 points अलतंग राय क्लब ऑल आउट केयर स्पोर्ट्स। ये आप 1 point ला सकते हैं, 2 point भी ला सकते हैं, सुपर रेड भी लगा सकते हैं, पूरे टीम का सफाया भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ नहीं होगा और यहां पर वो खुद ही आउट हो गए। मैच समाप्त। 24 लगातार बरकरार रखा मैच समरी की बात।